अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल हैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, इस वक्त इवनिंग का टाइम है और मैं किचन में आई हुई थी और आज ना मैं आपको अपने छोटे से व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मेरा कुछ दिन पहले का है। तो मैंने बना के मोबाइल में रखा हुआ था और वॉइस ओवर के हाथों ना ये काफ़ी दिन पड़ा रहा है, तो मैंने सोचा कि जितना भी मैंने बनाया हुआ है तो उतना ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि ये इवनिंग का टाइम है और आज मैं किचन में आई थी शामी बनाने के लिए, क्योंकि आज दोपहर में ना मैं कीमा लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा कीमे के शामी कबाब बनाते हैं, ये जल्दी भी बन जाते हैं, पीसने में उनको टाइम भी नहीं लगता। तो बस मैं वही प्रेशर लगा रही थी और इसके बाद यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि आज डिनर में ना आलू अंडे ही हम बनाने लगे हैं। और जो भी वेजिटेबल्स ना अभी फ़िलहाल बच्चों से पूछे तो बच्चे कोई भी चीज़ मानने को तैयार ही नहीं होते, और मेरा ख्याल है ना आलू ही बच्चों के फेवरेट होते हैं, आलू वाली रेसिपीज़ ही उनको पसंद आती हैं, शौक़ से खा भी लेते हैं आलू। तो मैंने सोचा कि आज आलू बना लेती हूँ। फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि हमने आज ब्रेकफास्ट में अंडे नहीं खाए थे, क्योंकि वैसे ना गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अब ब्रेकफास्ट में अंडे खाने को भी जी नहीं चाहता, और इस वक्त तो मुझे कुछ बनाने की समझ नहीं आ रही थी। तो पहले मैं शामी को प्रेशर लगा रही थी और उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें अंडे डाल के ही आलू अंडे में बना लेती हूँ। और आज ना घर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो पहले तो दोपहर में जाके हनान और मैं मार्केट से ये चीज़ें लेके आए हैं। कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, इसके अलावा वेजिटेबल्स भी नहीं थी, और फिर कीमा वगैरह भी लेके आना था, तो ये सब चीज़ें लाने में ना काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि एक दफ़ा मार्केट चले जाओ ना तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, यूँ लगता है दौड़ दौड़ के टाइम गुजरता है, क्योंकि जब घर वापस आते हैं तो थकन भी हुई होती है और उसके बाद टाइम भी ऐसे बिल्कुल उड़ जाता है। तो बस मार्केट से आने के बाद मैंने थोड़ी देर ही सांस लिया और फ़ौरन से ही किचन में आ गई। तो यहाँ पे मैं मसाले कंटेनर्स में ही डाल रही थी, और ये जो मसाले वाला बॉक्स है तो काफ़ी दिनों से ना इसमें मसाला बिखरा हुआ था, क्योंकि बच्चे भी इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, नमक मिर्च वगैरह वो यहीं से निकालते हैं, तो बेध्यानी में ही वो इसको पकड़ते हैं। मैं तो बड़े एहतियात से पकड़ती हूँ ताकि मसाले इसमें से गिरे नहीं, तो मसाले कुछ बॉक्स के अंदर ही गिरे हुए थे, उनको मैंने प्याली में निकाल लिया। मैंने सोचा कि खाना बनाते हुए ना इसको डाल दूँगी, नमक मिर्च मसाले ही हैं तो वो तो डलने ही हैं। और बाकी जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं तो वो भी मैं डालती जा रही थी, और इसको साफ़ करके मैं रख लूँगी, और इसका ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है, काफ़ी सहूलत रहती है। जिस वक्त मुझे खाना बनाना होता है ये बॉक्स पकड़ती हूँ और सारे मसाले ना इसी में से ही निकल आते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और इतनी महंगी भी नहीं है, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में है, तो इसलिए मैं इसे मार्केट से ले कर आई थी। ये मेरा काम तो हो गया है, मसाले तो मैंने बॉक्सेस में डाल दिए हैं, कंटेनर्स भी भर के रख लिए हैं। और यहाँ पे प्रेशर में अब स्टीम आ गई थी, तो इसे मैं गला लूँगी अच्छी तरह से, और दाल में ना मैंने मुनासिब पानी ही ऐड किया था ताकि बाद में मुझे खुश्क ना करना पड़े। और आज दूध भी लेके आई हूँ, तो मैंने आपको बताया ना आज हम दोपहर में मार्केट गए थे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ही लेके आनी थी, तो सारा कुछ लेके आए हैं, और दूध भी आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके आई हूँ ताकि मेरा कल का दिन भी निकल जाए। तो यहाँ पे दूध ही मैं बॉयल करने के लिए रख रही थी, इसमें थोड़ी सी पानी की खंगाल वगैरह मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बस आदत होती है कि शॉपिंग बैग वगैरह फिर इस तरह से साफ़ हो जाता है, रिस्क वगैरह ज़ाया नहीं होता। तो
यहाँ पे दूध को मैं हाई फ्लेम पे बॉयल कर लूँगी, जल्दी से ये मेरा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आजकल ना किचन में एक से दो स्टोव भी चल पड़े ना तो पसीना इस कदर ज़्यादा आता है, इतनी स्वेटिंग होती है, और हमारा तो वैसे भी ऊपर वाला पोर्शन है और ऊपर वाले पोर्शन में तो आप सबको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना मुझे किचन का ही करना लगता है। थोड़ी देर के लिए भी किचन में आए ना तो बस जब रूम में वापस जाते हैं तो पसीने से बुरा हाल होता है और बिल्कुल दिल चाहता है कि जाके पंखे के नीचे बैठ जाए। तो आजकल बस यही सूरत हाल चल रही है। थोड़ी देर के लिए किचन में आते हैं, फ़ौरन से जाके फिर पंखे के नीचे रूम में बैठ जाते हैं। यहाँ पे आलू अंडे भी तैयार हो गए हैं और ये वही चीज़ है जो जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, सिर्फ इसे बनने में 10 मिनट ही लगते हैं। तो ये जल्दी से बन जाती है ना, मैंने सोचा कि आज शामी वाला काम थोड़ा सा लंबा है तो डिनर वाला काम थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, तो वो बना के मैंने तैयार कर लिए हैं, साथ में रोटियां भी बना ली थी। और रोटियां बना के ना फिर मैं फ़ौरन दोबारा से किचन में आ गई थी। इस वक्त हम अपना डिनर कर चुके थे तो यहाँ पे खड़े होके मैंने ये सारे शामी बनाए हैं। फ़ैन यहाँ पे भी है किचन में तो मैंने फ़ैन चला लिया था, मैंने सोचा कि पसीना भी नहीं आएगा क्योंकि इस वक्त सारे स्टोव तो बंद थे। और शामी सारे बना के ना मैंने यहाँ पे ही मैट पे रख दिए थे, मैंने सोचा कि अभी ट्रे पकड़ के ना फिर इसमें रख लूँगी। और साथ ही ना इसको मैंने एक ट्रे में रखना था तो इसलिए मैंने शॉपिंग बैग को कट किया और फिर उसको ना शामी के ऊपर रख के तो बाकी जो शामी है तो वो उनके ऊपर ही रख दूंगी। तो इस तरह से स्पेस भी कम लगती है और एक ही जगह पे ना सारे शामी आ जाते हैं। इनको मैं फ्रीज ही करने लगी थी। तो बस ये शामी बनाने वाला काम ही मेरा लास्ट काम था आज का, ये करके मैं फ्री हो गई हूँ। शामी बनाते हुए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, जल्दी से ही मैंने बना लिए और इनको पीस भी लिया प्रेशर में ही, फ़ौरन से ये तैयार भी हो गए। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप किचन फ्लेवर्स पे देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने शेयर की है। और शामी वाला काम आज मैंने बिल्कुल भी लटकाया नहीं है क्योंकि पहले तो मौसम ठंडा था तो मैं अक्सर ऐसे करती थी कि जो चीज़ें शाम में बच जाती थी, रात के डिनर में जो खंडिया वगैरह बच जाती थी तो उसे बाहर स्टोव पे ही पड़ा रहने देती थी तो वो ख़राब भी नहीं होती थी। लेकिन अब तो मौसम इस कदर ज़्यादा गर्म हो गया है ना कि कोई भी चीज़ अगर स्टोव पर रात भर पड़ी रहेगी तो फ़ौरन से ही ख़राब हो जाएगी। और शामी तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो अगर ये मिक्सचर इनका बाहर पड़ा रहता तो इसने सुबह तक बिल्कुल खट्टा हो जाना था। तो इस वक्त रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम होया हुआ था और इस वक्त जी तो मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं शामी वगैरह बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर प्रेशर को मैं फ्रिज में घुसाऊंगी तो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा ले लेगा और इस तरह से ख़राब होने का ख़तरा भी था। तो मैंने सोचा जितनी भी थकन है आज उसको एक साइड पे करते हैं और शामी बनाने का काम तो कंप्लीट करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट डे में ये फिर मुझे जमे हुए मिलेंगे तो सेव कर लूँगी। और वैसे शामी हमारे घर में ज़्यादा दिन नहीं पड़े रहते क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जिस वीक में मैं इनको बनाती हूँ उसी वीक में ही ये ख़त्म भी हो जाते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसे रमज़ान के लिए स्टोर कर लूँगी, लेकिन मुझे पता है कि ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकूँगी क्योंकि बच्चे अब ब्रेकफास्ट में यही खाएँगे, ये उनके फेवरेट हैं। तो चलिए जी, छोटे से नन्हे मुन्ने व्लॉग में मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।